नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो दो तीन दिन से लगातार ये जो खबरें आ रही हैं इसको लेकर हलचल मची हुई है, लेकिन सरकार बार 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 एक ही बात बोलती है कि विदेशी ताकतें हैं, ये उन लोगों का किया धरा है जो चाहते नहीं है कि भारत आगे बढ़े। पूरा मामला तो आप जानते ही हैं, पेगासस किस तरीके से फोन पर नई तरीके से सर्वेलेंस करना, मतलब अब आपको पुराने तरीके से ऐसे सुनने की जरूरत नहीं है, अब आप एक मिस्ड कॉल मार करके किसी के भी फोन में घुस सकते हैं। और तो और, अब जो सामने आया है उसके हिसाब से तो अब वो भी करने की जरूरत नहीं है। आईफोन में बस एक मैसेज भेज दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता जी, पहले आपसे, आपको लगता है ये मूल प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिल पाया है और यही है असली सवाल कि क्या सरकार इस्तेमाल करती है या नहीं? या तो बोल दें हां और उसके बाद फिर जो भी बहस होगी हम उस तरीके से बहस करें, या तो बोले ना जिसके बाद हम एक और गंभीर चर्चा करें, तो फिर ये कर कौन रहा है? तो संकेत, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया वहीं से शुरू करते हैं कि सरकार क्या यूज करती है, किस किस कंपनी का, किस तरह के सुरक्षा से जुड़े हुए चीजों का इस्तेमाल करती है, उसका जवाब ट्विटर पे या ये डिबेट पे नहीं हो सकता। इतनी समझ हम सब में होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये बालाकोट पार्ट टू हो सकता है, जहां पे हमको ये माना गया, जहां पे सबूत मांगे गए थे कि भाई पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये आज की स्थिति भी वैसी ही हो गई है। जहां तक सरकार की बात है, एक तरफ पत्रकार हैं, उनके वक्तव्य को देखिए, दो वायरोलॉजिस्ट हैं, है कि पुलवामा से कैसे तुलना करें। आरटीआई, एक सेकंड संकेत, 2019 में एक आरटीआई आई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि वो पेगासस के क्लाइंट नहीं है। जहां तक अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, जिस जो सर्विलियंस की बात कर रही थी, तो उनको मैं ये बता दूं कि व्हाट्सएप ने भी 2013 में जो एक दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप ने ये कहा था कि वो पेगासस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं। लेकिन ये सब चीजों को आप एक साइड रखिए, सारी चीजों की जड़ में जाके देखिए ये रिपोर्ट बनाई किसने है, फोरेंसिक टेस्ट कौन करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि खुद ही इंडिया से निकल जाना पड़ा उनको, क्योंकि उनकी फॉरेन फंडिंग वगैरह जो है एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज में वो जो लिप्त थे उसका वो ब्यौरा नहीं दे सके। इनको पब्लिश किसने किया, वही सारी जमात है जो पहले कोरोना में फार्म लॉ वगैरह वगैरह में उनकी एक पुरानी फेरिस्त है और वो सरकार विरोधी चीजों को छापने तो आरोप क्या है? जैसे आपको अगर आप ये कह रही हैं सुजाता जी कि वो रिपोर्ट में या जिन लोगों ने फॉरेंसिक की है गवर्नमेंट का नाम नहीं है, उनका एक संदिग्ध इतिहास है, ठीक है ना, खारिज किया है। आप मुझे ये बताइए आरोप क्या है, ये बोल देना कि अंतर्राष्ट्रीय ये बोल देना कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, ये तो एक बात हो गई, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर पॉइंट बाय पॉइंट। मैं आपको बोलूं कि आप मेरे फोन की टैपिंग कर रहे हैं, आप सबसे पहले मुझे क्या पूछेंगे आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप FIR लिखवाइए, आप पुलिस के पास जाइए। इन सारे लोगों ने जिनके पास पुलिस है, वकीलों की लंबी फहरिस्त है, ये वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इस बात पे बैठ के क्यों करें कि हमारा नाम आया नहीं आया? और पूरी रिपोर्ट इट इज अ फुल ऑफ कंजेक्चर, हो सकता है, नहीं हो सकता है, किंतु परंतु लेकिन, ये चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे, ये चंदा आगे भी बात करेंगे। शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और संकेत, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनएसओ एक एक करके शर्मा जी, एनएसओ ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी, संजय सरकार पहले, एक एक करके ऐसे बात समझ में नहीं आएगी जी। सुजाता जी, दो एकदम इनोसेंट डिमांड है देश के सामने, एक इनोसेंट डिमांड नंबर वन, जांच करा लीजिए भाई, और दूसरी इनोसेंट डिमांड ये बता दीजिए कि आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या नहीं, सिर्फ दो छोटी सी बात। आपके दूसरे सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया है कि सरकार हर चीज को डिस्कस करने को तैयार है, बट डिस्कस कुछ समझाने तरीके होते हैं, चर्चा का मुद्दा नहीं है, जांच का मुद्दा है, बता नहीं सकते जबकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का। और साथ में साथ मैं रागिनी जी को याद दिला दूं, जो वो ये बोल रही है कि भाजपा की नीति रही है और इतिहास रहा है, तो 2013 की एक आरटीआई रिपोर्ट थी, 9000 फोन टैप हुए थे और 500 ईमेल्स हर महीने यूपीए गवर्नमेंट ने टैप किया था। अभी राजस्थान से खबर
खबर आई थी कि गहलोत जी कह रहे थे कि गहलोत जी के पे आरोप लगा था कि वो फोन टैप करा रहे। अभी महाराष्ट्र में आपके नाना पटोले जी बोल रहे थे कि वो उनका फोन टैप हो रहा है। तो आपको अपना इतिहास थोड़ा ठीक से, इतिहास का वर्तमान भी ठीक से देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ मत भूलिए कि प्रणब मुखर्जी का फोन भी टैप हुआ था। एक लिखित चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा के माध्यम से उनका फोन टैप हो रहा है। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।